सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा और एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। डेली करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज में आज हम 21 सितंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस बैंक, SSC, RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, जेल प्रहरी, व्यापम, स्टेट PSC जैसे एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है MP पुलिस का कोर्स। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी मात्र 1000 रुपए की फीस देकर MP पुलिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे डेली करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जो हमें कमेंट बॉक्स में हमेशा रिप्लाई करते हैं, कुछ के तो मैं नाम लेना चाहता हूं, जैसे शिवम दुबे जी हो गए, राहुल दुबे जी हो गए, शिवानी विश्वकर्मा जी हो गए। ये हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं दोस्तों जो हमें रेगुलर हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो अपने चैनल की तरफ से मैं इन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। शुरू करते हैं आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, IMD ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? दोस्तों रिसेंटली इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD के साथ मिलकर के स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया है। इस इंडेक्स में दोस्तों वर्ल्ड की 109 शहरों का सर्वे किया गया है, जिसमें सिंगापुर पहले, हेलसिंकी दूसरे और ज्यूरिख जो है ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अच्छा, इस इंडेक्स में किन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है दोस्तों? तो यहाँ की जो इकोनॉमिक और टेक्निकल डेटा है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनका माइंडसेट कैसा है, इनकी थिंकिंग कैसी है, साथ ही साथ इनका शहर कितना स्मार्ट है, इन सारी चीज़ों को जो है इस इंडेक्स में मॉनिटर किया जाता है। हमारे देश भारत की बात करें तो हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रेटिंग में हैदराबाद 85th पोजिशन पर है, दिल्ली 86, मुंबई 93 और बेंगलुरु जो है ये 95th पोजिशन पर है। तो हमारा जो प्रश्न है कि IMD ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है, तो ये रहा है ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा, आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों रिसेंटली पेंगुइन इंडिया लिमिटेड ने अरुंधति राय द्वारा लिखी गई एक पुस्तक आजादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन पुस्तक का प्रकाशन किया है। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई ये पुस्तक जो है दोस्तों ये निबंधों का संग्रह है, जिसमें दुनिया भर में फ्रीडम का क्या अर्थ है, फ्रीडम का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जो है इनके द्वारा बताया गया है। वर्ष 1997 में इनकी नॉवेल जो थी दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इन्हें मान बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटकर जो कि एक समाज सेविका हैं, इनके साथ में इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भी अरुंधति राय को जाना जाता है। कई परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है अरुंधति राय ने। चेतन भगत जो है दोस्तों इनकी बहुत जल्दी एक पुस्तक आने वाली है जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। दरअसल पहले इनकी जो ये पुस्तक है इसका नाम था वन अरेंज्ड मैरिज, लेकिन इसके बाद में इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके वन अरेंज्ड मर्डर कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हमारा कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन जो है ये किस देश की अध्यक्षता में किया गया? दोस्तों पिछले दिनों ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों की 10वीं बैठक का आयोजन वर्चुअली रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस बैठक में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व हमारे NSA अजीत डोभाल जी ने किया है। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसको इनका नाम नहीं पता हो, इतनी प्रतिभावान व्यक्ति हैं ये, इतने गुणी व्यक्ति हैं कि हर किसी भारतीय को जो है इनका नाम पता है। इस बैठक में दोस्तों आतंकवाद और उग्रवाद को कंट्रोल करने जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई है। ब्रिक्स की बात करें तो दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है ब्रिक, जिसमें
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रिक्स की अवधारणा गोल्डमैन सेस के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। इन्होंने ब्रिक देशों की अर्थव्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2006 में। भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस के विदेश मंत्रियों ने क्या किया दोस्तों कि जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस ख़त्म हो जाती थी इसके बाद में अनौपचारिक रूप से जो है ये राजनयिक बैठकें शुरू कर दी इन्होंने। 2009 में रूस के येकातिनबर्ग में पहला ब्रिक मतलब अभी इसमें साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा है दोस्तों, तब अभी तक ये ब्रिक कहलाता था। तो रूस के येकातिनबर्ग में 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस बैठक में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में डीप डिस्कशन किया गया था। 2010 में ब्रिक में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका को इनविटेशन दिया गया और साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स कहलाने लगा। बैठकों का जो आयोजन होता है दोस्तों वो नाम के अनुसार होता है। जैसे आप ब्रिक्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले होगा ब्राज़ील में, फिर होगा रसिया में, फिर होगा इंडिया में, फिर होगा चाइना में, फिर होगा साउथ अफ्रीका में, एंड देन फिर से ये ब्राज़ील से शुरू हो जाएगा। तो बैठकों का आयोजन जो है इनके नाम के हिसाब से किया जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि ब्रिक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया, तो ये किया गया डी, रूस की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। दोस्तों पिछले दिनों अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया और जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जो है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी इनके द्वारा जो है इन्हें जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद ने इन्होंने तत्काल प्रभाव से हरसिमरत कौर बादल जी का इस्तीफा जो है इसे स्वीकार कर लिया। दोस्तों दरअसल हुआ ये है कि इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। कृषि किसानों को लेकर के रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने जो है संसद में 3 बिल पारित किए हैं। ये बिल क्या है, इस बिल में क्या समस्या है और कहीं ना कहीं ये जो हरसिमरत कौर बादल जी हैं इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है, इस बिल की वजह से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो इन सारी बातों का डिस्कशन जो है मैं अपने उस वीडियो में करूँगा, तीनों बिल के बारे में भी बताऊँगा और जो भारत में कुछ राज्यों के किसान हैं वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों का भी डिस्कशन मैं अपने उस वीडियो में करूँगा। आज या कल में वो मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो ये सौंपा गया है ए, नरेंद्र सिंह तोमर जी को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वर्ष 2003 से ही हर साल वैश्विक स्तर पर जल निगरानी दिवस यानी कि वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जा रहा है। वाटर मॉनिटरिंग और वाटर रिसोर्सेज की सुरक्षा करने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों कि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, उसका नाम जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व जल निगरानी दिवस। और दोस्तों विश्व जल निगरानी दिवस के अलावा 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस भी मनाया जाता है, तो इसका नाम भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों रिसेंटली मार्गरेट एटवुड को 2020 के डेटन लिटरेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार शांति मतलब पीस, सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जो है दिया जाता है। दोस्तों मार्गरेट एटवुड जो है ये विश्व प्रसिद्ध लेखिका हैं, एक राइटर हैं, तो इनका नाम जो है हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा है वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है ए, मार्गरेट एटवुड को। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से इसका आंसर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई थी कि 16 सितंबर को जो है
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि कनाडा का एक शहर है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये तारीख थी 16 सितंबर। इसी वजह से 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आज के लिए दोस्तों हमारा प्रश्न है कि G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है पिछले दिनों। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ डेली करंट अफेयर्स की हमारी जो सीरीज़ है ये आपको काफ़ी पसंद आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी दोस्तों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।